नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल। 18% डिस्काउंट। फ्री होम डिलीवरी। 24 आवर सर्विस। रॉयल मेडिकल मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674, 7070343333। बनी रणभूमि, दो गुटों में हिंसक झड़प और पत्थरबाजी में आधा दर्जन लोग घायल। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात। जेएनईसी के विशेष पदाधिकारी और एसडीओ ने किया विभिन्न नदी घाटों का निरीक्षण। लोगों से सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। छठ महापर्व पर सरकारी गाइडलाइंस के विरोध में भाजपाइयों ने किया जल सत्याग्रह। नदी घाटों की सफाई के बाद कुछ संगठनों के लोग नदी घाटों पर ही छठ मनाने पर अड़े। और झारखंड बार काउंसिल के निर्देशों के बावजूद 12,000 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने नहीं जमा किए प्रमाण पत्र। अब खबरें विस्तार से। एक भूमि पर कथित तौर पर कब्जा को लेकर बिरसा नगर जोन नंबर 5 में दो गुटों में हुई हिंसक झड़प और पत्थरबाजी में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बिरसा नगर जोन नंबर 5 में एक मंदिर के समीप अड्डेबाजी और जुआ को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। सोमवार देर रात को हुए विवाद और मारपीट की घटना के बाद बिरसा नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने मामले को शांत करवाया था, मगर मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से हिंसक झड़प आरंभ हो गई और जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। वैसे पूरे घटनाक्रम में एक झामुमो नेता के चालक का नाम सामने आ रहा है। करीबन दोपहर में करीबन 1 बजे से बादल कर्मकार उनके बेटे और उनकी पत्नी के द्वारा लगभग 50 से भी अधिक की संख्या में गुंडों को बुला करके बस्ती में इकट्ठा किए। दरअसल कल रात में एक घटना हुई थी। बादल कर्मकार के बेटे मंदिर के सामने बैठ करके नशाखोरी कर रहे थे। वो लोग शायद गांजा पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे। तो हमारी बस्ती के ही एक लड़के ने उसको लेकर के उन लोगों के खिलाफ में बोला, यहाँ पर बैठ कर ये सब मत करो। इसके इतना ही बोलने के बदले में उन लोगों ने उसको रात में भी मिलकर मारा। इसी तरह से रात में भी उन लोगों ने पत्थरबाजी की। आपस में दोनों पक्ष को बैठा के वार्तालाप बातचीत करके इसको जो भी ये झगड़ा का जड़ है उसको खत्म किया जाए। क्या मामला क्या था? मामला ये आपस कल की क्या लड़ाई थी वो हमको नहीं मालूम। पुलिस खोज रही है ना किसी को घर सर्च कर रहे का पुलिस। वहीं दूसरी ओर जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी और एसडीओ ने विभिन्न नदी घाटों का निरीक्षण किया और लोगों से अपील की है कि वे सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन करें। जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार और एसडीओ ने मंगलवार को विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस दी गई है उनका अनुपालन करना जरूरी है।
ऐसा नहीं करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। छठ घाटों को बस निरीक्षण करके देखा जाएगा कि स्थिति क्या है छठ घाटों की। अब चूंकि सरकार का दिशा निर्देश यही है कि छठ पर्व जो है वो घर पे मनाना है लोगों को, कोई भी सार्वजनिक तालाब में, नदी में, इत्यादि जगहों पे नहीं करना है, तो ये सुनिश्चित कराना होगा। क्या अगर लोग आते हैं तो क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी दिशा निर्देश है, दिशा निर्देश का अनुपालन करें। दिशा निर्देश हमारी और सबके लिए भलाई के लिए ही है, और ये राज्य सरकार का आदेश है, तो इसका अनुपालन करना हम सबका कर्तव्य भी है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर राज्य में टकराव की स्थिति बनती जा रही है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का जोरदार विरोध आरंभ हो चुका है। मंगलवार को भाजपाइयों ने विरोध स्वरूप जल सत्याग्रह किया। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जो आशंकाएं थी, झारखंड में वैसी ही स्थिति बनती जा रही है। छठ को लेकर जारी किए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि हिंदूवादी संगठन और भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। जहां जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से स्वर्ण रेखा नदी में जल सत्याग्रह करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए सरकार द्वारा छठ को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन को तुगलकी फरमान बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक धर्म विशेष के त्योहारों को जिस तरह से सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जा रहा है, दुर्गा पूजा के बाद अब छठ पर्व को लेकर जो राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हिंदू धर्म के त्योहारों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की जाती है बिल्कुल अंतिम समय पर जारी की जाती है, जिससे हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहता है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक समन्वय बनाने में भी मुश्किलें आती हैं, और उसके साथ साथ जो लाखों की संख्या में अनुयायी हैं उनके उत्साह पर भी फर्क पड़ता है। तो ऐसी एक तुष्टिकरण की राजनीति की मानसिकता से जो राज्य सरकार काम कर रही है कांग्रेस के दबाव में, इस आदत से राज्य सरकार बाज आए, क्योंकि आस्था के ऊपर अगर राजनीति हावी होने लगेगी तो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे, ये राज्य सरकार को समझने की आवश्यकता। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सरकारी आदेशों के मानने से कुछ हिंदूवादी संगठनों ने साफ तौर पर मना कर दिया है। मंगलवार को कुछ हिंदूवादी संस्थाएं और संगठन के लोगों ने नदी घाटों की साफ सफाई आरंभ कर दी है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सरकार और हिंदूवादी संगठनों के बीच तनाव शुरू हो चुका है। वैसे इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। अंतिम समय में झारखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद राज्य में तनाव की स्थिति बन गई है। विपक्ष जहां एक बार फिर से आक्रामक रुख दिखा रहा है, वहीं हिंदूवादी संगठन एवं स्वयंसेवी संस्थाएं भी आर पार के मूड में नजर आ रही हैं। जमशेदपुर में सरकार के फैसले के उलट हिंदूवादी संगठन छठ घाटों की साफ सफाई में जुट गए हैं। भोजपुरी चेतना मंच सहित कई संगठन अपने स्तर से नदी घाटों की साफ सफाई में जुट गए हैं। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है और इसको हम लोग हर साल धूमधाम से मनाते हैं, और इसके लिए सरकार के किसी भी गाइडलाइंस को हम लोग मानने को तैयार नहीं है। अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन किसी सरकार के गुलाम हम लोग नहीं है। हमारा आस्था है और इस पर्व के साथ हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी अगर गाइडलाइन जारी होता है उसको हम लोग मानने को तैयार नहीं। झारखंड बार काउंसिल द्वारा राज्य के करीब 30,000 निबंधित अधिवक्ताओं से सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र की मांग की है, पर अभी तक 12,000 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। काउंसिल ने उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया है। झारखंड बार काउंसिल ने राज्य भर के वकीलों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए और समय दिया है। झारखंड के करीब 30,000 वकील निबंधित है, जिसमें अभी तक सिर्फ 19,000 ने ही अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया है। वकीलों को 15 नवंबर तक ब्यौरा देने का अंतिम अवसर दिया गया था। इसके पूर्व भी 2 बार तिथि बढ़ाई गई थी। बार काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि इस बार अंतिम रूप से 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। वकीलों का जो भी अभी त्रुटि या जो भी दिखाया जा रहा है कि नहीं दिया गया है, मेरा कहना है ये समय दिया जाए और जो जो ये सही निर्णय लिया गया कि जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है ये इन्वॉल्वमेंट को क्लियर करना चाहिए। वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी था कि बहुत सारा है इनके भी बीच में हम लोग को नज़र में आए थे, तो ये जो स्थिति बनी हुई है जितने भी लोगों को समय दिया गया इस बीच में इन लोगों को सबको जमा कर देना चाहिए अपने इन्वॉल्वमेंट। कितने वकीलों ने जमा नहीं किया? 12,000 लगभग। अभी एक तरफ छठ पर्व पर नदी घाटों को लेकर विरोधाभास जारी है, वहीं दूसरी ओर छठ व्रती महिलाएं इस महापर्व की तैयारियों में जुट गई हैं। मंगलवार को विधिवत पूजा पाठ के बाद गेहूं को धोकर सुखाया गया।
भले कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सरकारी गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, लेकिन सरकार के आदेश के बाद राज्य भर में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। वहीं छठ व्रत की तैयारी में व्रती जुट गई हैं, जहां आज से ही व्रतियां गेहूं सुखाई में जुट गई हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को गाइडलाइंस जारी कर नदियों एवं जलाशयों पर छठ पर्व मनाने से रोक लगा दिया है। इस पर्व का अपना एक अलग ही महत्व है, ये तो आप भी जानते हैं। ये बहुत आस्था से भरा हुआ ये पर्व है। ये चार दिन का पर्व होता है, जो आज हम लोग इसको आज पहला दिन मान के आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज क्या किया जाता है? आज गेहूं धो के सुखाते हैं पवित्रता के साथ। सारे हम लोग मोहल्ले वाले एक ही एरिया के हैं, हम लोग सारे यहाँ हम लोग सब आस्था पूर्वक मिलकर कर रहे हैं। किस तरह से मनाते हैं, स्टार्टिंग कैसे होता है? नहाए खाए कल है तो वो कद्दू बहुत अच्छे पवित्रता के साथ बनाते हैं, कद्दू चावल चना का दाल। आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर बाजारों में पूजन में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उसे देखते हुए कुछ संगठनों ने छठ व्रतियों के बीच लौकी आदि का वितरण किया। जैसा कि हर बार होता है, पर्व त्योहार से पूर्व चीजों के मूल्यों में वृद्धि कर दी जाती है। कुछ जमाखोरों को इस मौके का इंतजार भी होता है, मगर इससे गरीब तबके के लोग काफी प्रभावित होते हैं। छठ महापर्व में पूजन में लगने वाली लौकी का बड़ा महत्व है, मगर बाजारों में लौकी के मूल्यों में दोगुना वृद्धि कर दी गई है। लोग छठ महापर्व के जो बहुत नजदीक आ रहा है, कल हमारा कल से नहा खाए का पर्व स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बाजारों में लौकी की कीमत बहुत बढ़ी हुई है, 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। इसको देखते हुए हमारे जितने युवा अधिवक्ता हैं, हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग निःशुल्क जरूरत जो भी जरूरत होंगे, जिसको जो भी व्रतधारी को जरूरतमंद होंगे उसको निःशुल्क हम लोग लौकी का वितरण करेंगे। उधर कदमा स्थित नील सरोवर की साफ सफाई भी जारी है। छठ महापर्व पर बड़ी संख्या में छठ व्रतधारी नील सरोवर आते हैं, पर इस वर्ष सरकारी गाइडलाइंस को लेकर अब तक ऊहापोह की स्थिति कायम है।